हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सलवार की कटिंग विद स्टिचिंग के साथ बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो रेड बटन है उसे ज़रूर दबा दें। यहाँ मेरी चौड़ाई है 8.5 इंच की रखी मैंने चौड़ाई, और लेंथ है मेरी 21 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद हम जो बेल्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी बेल्ट है ये रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार को आपने दो हिस्सों में, जो पार्ट्स है सलवार के दो हिस्से फोल्ड कर देने हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, डबल कर देना है। उसके बाद ये मोहरी है, आप जितनी मोहरी रख सक चौड़ी आप मोहरी रखोगे उससे 2 इंच कम ले लेना, और जो 2 इंच हमारा 2.5 इंच पार्ट्स होता है वो उसमें चली जाएगी। यहाँ हमारी लेंथ है सलवार की 35 में मैंने 3+ कर दिया, जो कि हमारा कितना हो गया 38 में 8 माइनस कर दिया, जो बेल्ट है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद 30 हमारी लंबाई है, और ये 2.5 इंच की मैंने पार्ट ये लगाए हैं। वहाँ इधर की साइड भी आपने इधर 30 इंच की लंबाई नापी है, आपको इधर से भी 30 इंच की लंबाई नापनी है, और जो दोनों निशान है ड्राफ्ट है उन्हें मिला देना है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा जी। उसके बाद कटिंग कर लें। उसके बाद अगर आप रुमाली लगाना चाहते हो तो रुमाली लगा सकते हो, अगर आप रुमाली नहीं लगाना चाहते तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप रुमाली नहीं लगाना। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसकी जो आसन है, आसन मैंने 8.5 इंच का लिया है, 8.5 इंच पर निशान लगा के ये हमारा आसन हो गया। अगर आप यहाँ रुमाली लगाना चाहो तो रुमाली लगा सकते हो, अगर आप रुमाली नहीं लगाना चाहते तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सिल सकते हो बिना रुमाली लगाए। उसके बाद जैसा आपने इधर काटा है वैसे ही इधर भी आपको इतने इंच लेना है, और उसके बाद दोनों साइड कटिंग कर देनी है। और जो कटिंग में से जो साइड में हमारा कपड़ा बचा है उसकी हम लेंगे, जो हमारी रुमाली है जो हम लगाएंगे साइड में। उसके बाद ये दो जो दूसरा पार्ट है वो आपको इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको सिलाई लगा देनी है, जैसे आपको दिख रहा होगा ऐसे जोड़ के कली से कली, और कली और पार्ट्स एक कली एक पार्ट्स एक कली एक पार्ट जॉइन करके सिलाई लगा देनी। उसके बाद हम रुमाली काटेंगे। ये हमारी रुमाली है, यहाँ हमें रुमाली काटनी है। यहाँ मैंने रुमाली की कटिंग कर ली है और आप देख सकते हो ये हमारी रुमाली की कटिंग हो गई है। उसके बाद ये जो हमारी सलवार है रेडी हो गई है कटिंग की। उसके बाद स्टिचिंग की बात करते हैं। स्टिचिंग में आपको पहले बेल्ट है, बेल्ट जॉइन कर देनी है सिलाई लगा के। उसके बाद जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा ऐसे सिलाई लगानी है, और उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर देना है, जहाँ आप अपना नाड़ा डालते हो उस जगह पे उसे फोल्ड कर देना। आपको जितनी चौड़ाई ठीक लगे आप अपनी ले सकते हो। जो हमारी बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है सिलाई लग के, आप देख सकते हो। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कली और पार्ट्स जॉइन करने के लिए, उसके बाद आप एक कली और एक पार्ट्स लेना, उसके बाद सिलाई लगा देना। आप देख सकते हो यहाँ हमारे पार्ट्स और कली जॉइन हो चुकी हैं। उसके बाद जो आसन था वहाँ आपको रुमाली, अगर आपको रुमाली नहीं लगानी तो आप ऐसे ही जॉइन कर सकते हो, बट रुमाली लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, और इससे ना कपड़ा खींचने का डर रहता, ना ही हमारे जो चून है इधर उधर भगते, एकदम बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद रुमाली ज्वाइन कर ली, और उधर अब दोनों पार्ट्स रखने हैं आपको, और दोनों पार्ट ज्वाइन कर देना है। उसके बाद रुमाली के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी पक्की सिलाई हो जाएगी। उसके बाद उधर की साइड भी आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आप देख सकते हो, देन अब हम चून भरेंगे। ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ हम पीछे के हिस्से में चून भरेंगे, जहाँ आपको जॉइंट कली वाले हिस्से पे आपको पीछे चून भरने हैं, और पार्ट वाले हिस्से पे आपको आगे के चून भरने हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे आपने पीछे भरे थे चून, वैसे ही आपको आगे चून भरने हैं, जैसे आप देख रहे हो। आप चौड़ाई नाप लेना आपको कितने इंच इंच के भरने हैं। यहाँ मैंने 4 इंच के चुन भरे, जो सिलाई लगाते हैं बड़ी चाल से, वो 4 पैर की सिलाई लगाई है मैंने। उसके बाद आप देख सकते हो जो चुन है वो रेडी हो चुके हैं, एक साइड के चुन भर गए हैं। और जैसा आपने एक साइड में चुन भरे हैं, आप जितने चुन एक साइड में भरोगे उतने ही चुन आपको दूसरी साइड में भरने हैं। हमारे चुन रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो बेल्ट थी जॉइंट जो हमने सिली थी, पहले ही बेल्ट रेडी करी थी, उसके बाद वो बेल्ट जोड़ लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारी बेल्ट है
वो आपको रेडी करनी है, मतलब जॉइंट करनी है। इसमें आप देख सकते हो जो हमारी बेल्ट है वो जॉइंट हो चुकी है। उसके बाद आप ऊपर सिलाई लगा देना ताकि जो सिलाई है वो मजबूती के साथ टिकी रहे। उसके बाद अब हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी में आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। यहाँ मैंने इजीली डिज़ाइन डाला है जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हो, बस आपको